Subscribe and click the bell icon for all the television updates. Oh God, my God, it's a long story. मैं प्रवीण से मिली last to last October में और मैं उनसे एक बार मिली तो मुझे वो बहुत ही simple लगे. उनसे दोबारा मिली तो मैंने कहा नहीं यार ये बहुत ही simple लड़का है, ये party नहीं करता, ये drink नहीं करता, he is very simple guy, you know. And दो महीना मैंने कुछ I remember reaction नहीं दिया. फिर मेरे friends as usual मेरे पीछे पड़े थे कि शादी हो. आई स्टार्टेड एज एन प्रवीण, देखो हमें ना एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है ताकि ना हम लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम एवरी डे एंड टुडे वी आर हियर, वी आर गेटिंग मैरिड, यू नो. सो इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग, यू नो, कि फाइनली यू हैव समबडी जिसको आपको बताना पड़ता है कि यार आप कहाँ हो या वो कहाँ है. सो दैट रिलेशनशिप थिंग हैज स्टार्टेड एंड It's nice, it's beautiful. इस industry में आप काम करते हैं, काफ़ी लोगों से मिले होगी, लेकिन प्रवीण में कोई ऐसी खासियत जो आपको फर्स्ट टाइम में पसंद आया हो, जो आप इसके लिए शादी के लिए रेडी हो गई? एक तो वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सोबर है प्रवीण. बहुत ही डाउन टू अर्थ है इन स्पाइट ऑफ बींग अ पायलट, यू नो. जनरली पायलट्स को जो भी मैंने देखा है वो बहुत ही स्नूटी होते हैं वो लोग, बट प्रवीण इज़ नॉट लाइक दैट. प्रवीण इज़ वेरी डाउन टू अर्थ और बहुत ही पानी की तरह शांत है. मैं जितनी चटर हूँ प्रवीण उतना ही पानी की तरह शांत है. तो मुझे लगा ये लड़का मुझे झेल लेगा तो इसीलिए मैंने उसको हाँ बोल दिया. मैंने कहा ही विल हैंडल मी. सो ही इज़ वेरी शांत एंड वेरी ही इज़ वेरी कम्पोज्ड, यू नो. ही इज़ वेरी काम, क्वाइट एंड कम्पोज्ड एंड ही इज़ इंटेलिजेंट. मुझे इंटेलिजेंट लड़का ही चाहिए था. मैंने बोला था यार मेरी शादी किसी डॉक्टर इंजीनियर किसी से भी करवा दो, बट मुझे लड़का इंटेलिजेंट चाहिए. सो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट. सो दैट्स द वन थिंग विच उसका प्लस पॉइंट था, यू नो. मैंने हाँ बोल दिया. हाँ इतना आसानी से भी नहीं बोला, अक्टूबर से वो मुझे पटा रहा था. फाइनली हाँ मैंने उसको अप्रैल में बोला है मतलब अच्छे खासे पापड़ बिलवाए मैंने उससे. खुशी का मोमेंट आपकी पूरी फैमिली है, पर एक मोमेंट आप रोते हुए नजर आ रही, काफी इमोशनल नजर आ रही थी आप. हाँ मैं हो गई थी थोड़ा इमोशनल जब मेरी कज़न प्रियंका ने मुझे हक किया एंड शी सेड के आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, यू नो, बिकॉज वो कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं जो पायोनियर है इस वेडिंग को लेकर. एंड द मोमेंट शी हग्ड मी आई, ये विदाई का रोना नहीं है, ये खुशी का रोना था एक्चुअली, यू नो. आई गॉट वेरी इमोशनल. ये देखो हल्दी नहीं हुई है, हल्दी होली हुई है. एक्चुअली शूट पे इतना ओवर ड्रेस होते हैं ना हम, कि स्पेशली मैं, मुझे लगता है कि जैसे पर्सनल लाइफ आए ना तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लाइट कपड़े पहनो, लाइट ज्वेलरी पहनो, बिकॉज यू ऐसे भी टायर्ड ऑफ वेयरिंग सो मेनी आउटफिट्स एंड ऑलवेज हैवी मेकअप एंड ऑल. तो मैं वैसे भी अगर आप लोग जानते हो मैं पर्सनल लाइफ में बहुत ही सिंपल रहती हूँ. इनफैक्ट मैं मेकअप भी नहीं करती, यू नो. प्रवीण यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेबी जल्दी आ जाओ, शादी का घर है, बहुत काम है. आई एम अ डिफरेंट ब्राइड, मैं तो दूल्हे से भी काम करवा रही हूँ यहाँ पर.